अभी फिलहाल गुरविंदर सिंह जी जो है बेस्ट ऑफ दिल्ली मेरे पास खड़े हैं, पर एक नहीं बल्कि तीन तीन अवार्ड्स लेके। पर तीन तीन अवार्ड्स जब जीते हैं कुछ तो बात है, और बात हम राज का जो है पूछेंगे, सक्सेस का राज क्या है। अभी फिलहाल पूछते हैं। हेलो, हाय सर। सक्सेस अपने हाथ में है। एक मैंने बहुत पहले एक कहावत सुनी थी, सक्सेस डज नॉट कम टू यू, यू गो टू इट। तो हम लोगों को जितना अचीव करना है उसके लिए पहले हम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है उतनी। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी सक्सेस को नहीं जीत सकते। NBC में मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके। मैं एक्चुअली मैं इस फील्ड के अंदर 25 ईयर्स से हूँ, लेकिन मैंने अभी सडनली लास्ट 4 ईयर्स से मैंने अभी NBC ज्वाइन किया है। और NBC ज्वाइन करने के बाद मेरी जितनी भी अदर फ्रेंचाइजीज थी मैंने सबको लीव किया, क्योंकि और एक्चुअली मैं उन फ्रेंचाइजियों में भी अपना दिल्ली NCR के अंदर नंबर 1 पोजीशन पे रहा हूँ लास्ट 20 ईयर्स से। लेकिन जब मैंने NBC में आया, मैं NBC में आने के बाद मेरे को शायद वो फ्रेंचाइजीज में इतना मज़ा नहीं आया जितना यहाँ पे मज़ा आने लगा। काम करने का तरीका, इनका स्टाफ, इनके डायरेक्टर सर, सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, हर चीज़ के लिए हम लोगों को प्रेरित करते हैं। और मतलब कि हमें किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो सर्टिफिकेट्स हो या एडमिशन्स को लेके हो या कोई भी इंक्वायरी हो, उसके लिए हमें कभी भी इनको बार बार फ़ोन नहीं करना पड़ता। अगर हम एक कॉल करते हैं तो एक कॉल में ही हमारा काम ईजिली हो जाता है। तो इसलिए मेरे को NBC की फ्रेंचाइजी लेने के बाद बहुत अच्छा लगा। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। बाकी अब मैं होप ही करूँगा कि अब इस पर ही 3 अवार्ड्स हैं, अगली बार इतने अवार्ड्स होने चाहिए कि मेरे को 4-5 लोग चाहिए मेरे को उसके लिए। और मैं चाहता हूँ कि अभी जैसे तो मैं न्यू हूँ, और आने वाले टाइम में सारे अवार्ड्स में मेरा नाम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आई वुड विश यू कि आपके सारे जो अवार्ड्स हैं यहाँ पर सारे आपके हो, और जो आने वाले जनरेशन है इन नेशनल बोर्ड ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहिए? जनरेशन लाइक स्टूडेंट्स या फिर जो न्यू आ रहे ज्वाइन कर रहे, क्योंकि आप 25 ईयर्स स्पेंड कर चुके हैं, बहुत सीनियर है, तो आपका एक्सपीरियंस उनके लिए? मैं अपने एक्सपीरियंस जो शेयर करना चाहूँगा, मैं ये कहूँगा कि फ्रेंचाइजी बहुत सारी हैं, लेकिन NBC में काम करके जो आपको अचीवमेंट मिलते हैं वो बहुत बड़ी बात है। बच्चों को बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है, अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे ई प्रदेश है, इस तरह के कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कोर्सेज। तो मेरा मानना है कि इन कोर्सेज को आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए और करवाना भी चाहिए स्टूडेंट्स को, जिससे आप बच्चे को काफ़ी बेनिफिट मिलता है इस चीज़ के लिए, और इसका सर्टिफिकेट भी वैल्यूएबल है, वैल्यू करता है, आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसको यूज़ कर सकते हो इस चीज़ के लिए। तो मेरा मानना है तो कि किसी कोई भी स्टूडेंट हो उसको एक बार ही NBC में एडमिशन ज़रूर लेना चाहिए और ज़रूर देखना चाहिए। और जितने सेंटर डायरेक्टर्स हैं और भी फ्रेंचाइजी के अंदर, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप भी एक बार ही NBC के साथ जुड़िए, और जो हम एक्सपीरियंस फेस अभी कर रहे हैं आप वो करके देखिए, फिर आपको कितना मज़ा आएगा कि आपको NBC के आगे दूसरी फ्रेंचाइजी बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली है। तो मैंने ऐसा सुना था दिल्ली दिल वालों का घर है, पर आज प्रूव हो गया दिल्ली लगन वालों का भी घर है, क्योंकि L से ख़त्म होता है, और आपने लगन से काम करके बहुत सक्सेस मिला। थैंक यू सो मच, और आई विल विश के सारे जो आपने बताया सब आपके नाम पे हो जाए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक्स।